बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान के 1947 से लेकर 1956 तक के अहम इश्यूज और तजावीज पर गुफ्तगू करेंगे। टेबल मुलाहजा फरमाइए, 1947 से 1956 तक के अहम इश्यूज और अहम डिबेट्स को जाहिर करता है। अहम इश्यूज में ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा, यूनिटरी होगा, फेडरल होगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, ये पार्लियामेंट्री होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, रिप्रेजेंटेशन क्वांटम क्या होगा, उसके ईस्ट पाकिस्तान में कितनी नशस्तें होंगी, वेस्ट पाकिस्तान में कितनी होंगी, मुख्तलिफ सूबों में तकसीम क्या होगी, इस्लामिक स्टेट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसमें इस्लामिक प्रोविजन को मॉडर्नाइज तरीके से किस तरह समोया जाएगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने अहम इश्यूज थे। इनको रिजॉल्व करने के लिए जो तजावीज आई, जो असेंबली के स्टेप हुए, उनमें पहला स्टेप जो था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट फर्स्ट है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट टू है, और उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला है, और पांचवा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1954 का ड्राफ्ट है, और 1956 में जो है वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया। टेबल मुलाहजा फरमाइए, करारदाद मकासद और इस दौरान असम्बली में जेर बहस आने वाली अहम तजावीज का अहाता करता है। सबसे अहम जो कंट्रोवर्सी थी वो थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोवर्सीज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उस वक्त जो है वो और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो फासला था वो 1000 मील का फासला था, जिसमें दरमियान में हिंदुस्तान मौजूद था। बहरहाल यहाँ पे हमें बहरी रास्ता और लिंक मौजूद था पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान। मजीद ये कि ईस्ट पाकिस्तान एक कम्पैक्ट यूनिट था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत से छोटे छोटे यूनिट्स में मुनकसम था। तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकली ईस्ट पाकिस्तान एक कम्पैक्ट यूनिट था, वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ वो थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर था और थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज था। लेकिन ये पहलू अपनी जगह पे था कि दोनों सूबे जो थे वहाँ पे प्लानिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, दुनिया के जदीद तकाजों के मुताबिक इंडस्ट्री दोनों जगह पर मौजूद नहीं थी। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में इस बात का शक व शुबा किया गया कि शायद वेस्ट पाकिस्तान जो है वहाँ पे पूरा सरमाया खर्च हो रहा है और हमें ख्याल नहीं किया जा रहा। दोनों सूबों के कल्चर में फ़र्क था, ज़ुबान में फ़र्क था, फूड हैबिट्स में फ़र्क था, और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं था, ये दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा मौजूद है कि इस किस्म के डिफरेंसेस हैं, लेकिन वहाँ पे उनको उन्होंने हल किया। पाकिस्तान में भी 1956 के दस्तूर में इन तमाम मसाइल को यूनानिमसली हल कर लिया गया था,
लेकिन बाद में ये दस्तूर न चल सका। सो सबसे अहम इश्यूज में क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में बुनियादी इश्यूज तय कर दिए गए। करारदाद मकासद 23 मार्च 1949 को लियाकत अली खान की सरबराही में पास हुई। खान लियाकत अली खान द दन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पास हुई। इसमें सबसे पहली बात यह तय की गई कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम होगा और यह एक फेडरेशन होगी। दूसरी बात यह तय की गई कि सॉवरेंटी वाज डिसाइडेड दैट सॉवरेंटी शैल बी वेस्टेड इन गॉड अल्लाह अलमाइटी एंड दिस शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तीसरी बात इसमें इस बात को तय किया गया कि इस्लामी रियासत जो है ये जमहूरियत के साथ ब्लेंडेड टाइप होगी और सोशल जस्टिस होगा और इस्लामिक लॉ लेजिस्लेशन जो है वो कुरान सुन्नत से रहनुमाई लेगी और एग्जिस्टिंग लॉज को जो है वो भी कुरान सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा। मिनॉरिटीज़ के लिए ख़ास करके उनको अपने मज़हब की मुकम्मल आज़ादी होगी और उनके हकूक़ को गारंटी किया गया कि वो उनके इक्वल राइट पाकिस्तान में होंगे। ये बुनियादी इश्यूज करारदाद मकासद में तय कर दिए गए। उसके बाद असेंबली ने एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन के खदोखाल और उसकी दीगर चीज़ों को वाज करना था। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट जो है पहली रिपोर्ट 1950 में आई। 1950 में पहली रिपोर्ट आई। ये कोई वाजे नहीं थी, इसमें चीज़ें जो हैं उनको बहुत वाजे अंदाज में बयान नहीं किया था, वहाँ मौजूद थे। तो इस रिपोर्ट में जो इस रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा और चैप्टर 2 है उसमें बहुत अहम बातें जो दोनों खितों के दोनों सूबों के दरमियान दोनों विंग्स के दरमियान कंट्रोवर्सीज थी उनके बारे में जो कहा गया कि द हाउस ऑफ यूनिट्स और हाउस ऑफ पीपल यानी बाइकैमरल सिस्टम देयर शैल बी 2 हाउसेस। और इसके साथ ही इसमें उन्होंने 2 हाउसेस विल हैव इक्वल पावर्स और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो इसको जॉइंट मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा और जॉइंट सेशन को बुलाने की पावर जो हेड ऑफ द स्टेट के पास होगी। ये इसमें बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट कमेटी में था। और हाउस किस वक्त बुलाया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 हाउसेस, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया जाता है तो उस वक्त जॉइंट सेशन होगा। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, इसके लिए जॉइंट सेशन होगा जो हेड ऑफ द स्टेट कन्वीन करेगा। कंसिडरेशन ऑफ द बजट एंड मनी बिल्स, इसके लिए जॉइंट हाउस जो है वो सेशन हेड ऑफ द स्टेट कन्वेन करेगा। कंसिडरेशन ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द कैबिनेट, कैबिनेट पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो उसके लिए भी जॉइंट सिटिंग ही काम करेगी। तो इसमें मिनिस्ट्री एंड कैबिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेस। ये अब हम देखते हैं कि कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत से उन्होंने डिवाइसेस इख्तियार की हैं अपने इशू को हल करने के लिए। पाकिस्तान में यह नहीं, नया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम ये जो हमारे सामने चीज़ आई तो इसके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान में बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन हुआ, उनकी अपनी रीजंस थी, और वेस्ट पाकिस्तान में भी शदीद रिएक्शन हुआ, उनकी अपनी रीजंस थी। तो इसमें 3 किस्म की जो एतराजात थे
जन में पहली जिसको G.W. चौधरी ने लिखा कि एक कैटेगरी उन लोगों की थी कि जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो बोले जा रहे थे, दूसरी कैटेगरी उनकी थी को जानबूझ के सबोताज करना चाहते थे, डिसग्रंटल्ड पॉलिटिशियन, तीसरी कैटेगरी उनकी थी कि कुछ जेन्युइन मसाइल भी इसमें मौजूद थे। बहरहाल इसको 21 नवंबर को लियाकत अली खान ने असेंबली में इसको यह कहकर पोस्टपोन किया कि नई कंक्रीट किस्म की प्रपोजल जो है वो प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट लेके आए। सो दिस रिपोर्ट वाज बेसिकली रिजेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप यहाँ पे देखिए कि लियाकत अली खान का वीएन देखिए, उनकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट देखिए कि जब दोनों सूबों के सियासतदानों के दरमियान उसमें एक ये भी था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, तो उनके दरमियान जब कोई वो किसी उसके ऊपर नहीं आ रहे थे और पब्लिक का रिएक्शन था, उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को शो किया और फौरी तौर को उसको मतलब है कि वहां पर रिजेक्ट किया कि नई प्रपोजल्स आई। नई प्रपोजल्स के बाद एक और काम उन्होंने ये किया कि असेंबली ने आम लोगों से प्रपोजल्स लेना शुरू की कि पाकिस्तान के आम आदमी जो हैं वो भी असेंबली में, उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई। तो आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पार्टिसिपेशन के साथ बनाया जा रहा था, किस डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ बनाया जा रहा था जो फ्रीडम फाइटर्स थे। इस कमेटी ने वो प्रपोजल्स भी सामने रखी और इस कमेटी ने सेकेंड रिपोर्ट पेश की। सेकेंड रिपोर्ट कुछ कॉम्प्रिहेंसिव थी और सेकंड रिपोर्ट में उन्होंने ये ख्वाजा नाजमुद्दीन साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 22 दिसंबर 1952 को इस रिपोर्ट को असेंबली में रखा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, दोनों सूबों के दरमियान पैरिटी के असूल को इख्तियार किया गया और बाइकैमरल सिस्टम इसमें दोबारा इख्तियार किया गया, हाउस ऑफ यूनिट्स एंड हाउस ऑफ पीपल इसमें थे। हाउस ऑफ यूनिट के लिए 60 सीटें ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 60 सीटें वेस्ट पाकिस्तान को दी गई और इनकी बाकायदा तकसीम जो है वो की गई, जिनमें सूबा पंजाब और ये सारी इसकी तकसीम आप टेबल हम देंगे उसमें देख सकते हैं, और 200 सीटें जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को और 200 वेस्ट पाकिस्तान को, टोटल 400 सीटें जो हैं असेंबली में रखी गई, असेंबली में प्रपोज की गई। और हाउस ऑफ पीपल विल एंजॉय द बेसिक पावर्स, वो बेसिक पावर्स हाउस ऑफ पीपल को दी गई और हाउस ऑफ यूनिट जो है वो अगर कोई हेस्टी लेजिस्लेशन हो जाए या वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता था, यानी हाउस ऑफ यूनिट के पास को बहुत ज़्यादा इख्तियार नहीं थे। ऑल मनी बिल विल बी इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ पीपल। सो ये इसमें इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर वुड बी अ जॉइंट सिटिंग अगेंस्ट इसमें रखा गया और हाउस ऑफ यूनिट जो है वो सिर्फ रिवीजन रेकमेंड कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। तो इसके लिए 11 जनवरी 1953 में लाहौर के अंदर एक सिंपोजियम हुआ जिसमें पंजाब असेंबली के स्पीकर और मिनिस्टर्स भी शामिल हुए और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये बात आगे न बढ़ सके। इसके ऊपर बहुत से इतराजात आ गए और इस तरीके से ये मामला यहाँ पे कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। तो इसके बाद 1907-10-1953 को मोहम्मद अली बोगरा ने अपना फार्मूला दिया, इसको मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कहा जाता है। 7-10-1953 मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, ये 7 अक्टूबर को पेश किया गया। मोहम्मद अली बोगरा ने भी
इसमें बाइकैमरल सिस्टम ही रखा, यानी टू हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो हाउस ऑफ यूनिट जो है उसमें 50 नशिस्तें रखी गई, जिसमें 10 नशिस्तें ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 40 नशिस्तें वेस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये चार सूबों पर मुश्तमिल था यहाँ पे, तो इसको चार नशिस्तें 40 नशिस्तें दी गई। लेकिन ये दिलचस्प बात यह है कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो चार सूबों के अलावा इसमें छोटी छोटी मुख्तलिफ रियासतें भी थीं, ट्राइबल एरिया था, फेडरल था, तो ये 9 यूनिट बन जाते थे इस तरीके से, जिनमें ये सीटें तकसीम होना थी। तो इसके अलावा इसका टेबल भी हमने दिया है जो आखिर में हम आपको दे देंगे। और 165 नशिस्तें इसमें ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 135 नशिस्तें जो हैं वेस्ट पाकिस्तान के लिए तजवीज़ की गई। टोटल नशिस्तें जो हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए 300 रखी गई। अब अगर आप देखें तो ईस्ट पाकिस्तान की 165 नशिस्तें, 10 उसकी हाउस ऑफ यूनिट में, उसकी टोटल नशिस्तें 175 बन जाती हैं। इसी तरह जो हाउस ऑफ पीपल है उसमें वेस्ट पंजाब की, वेस्ट पाकिस्तान की सीटें जो हैं, वेस्ट पाकिस्तान की सीटें 135 लोअर हाउस में और 40 अपर हाउस में, इस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान की सीटें भी 175 बन जाती हैं। और ये टोटल नशिस्तें जो हैं ये 350 बनती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि दोनों हाउसेस को पावरफुल रखा गया। जॉइंट सेशन बुलाने का इख्तियार जो था वो प्रेसिडेंट के पास था, और दोनों हाउसेस में जो है इक्वली पावर तकसीम की गई। और अगर इख्तलाफ हो जाता था तो ऐसी सूरत में जॉइंट सेशन जो है इसको तय करता था। लेकिन इसमें एक और गारंटी दे दी गई, और वो गारंटी ये थी कि जॉइंट सेशन में दोनों हाउसेस के कम से कम, दोनों विंग्स के कम से कम 30% दोनों जोन्स के कम से कम 30% लोग जो हैं वो मेंबर्स जो हैं उनका फैसले में शामिल होना ज़रूरी है, वरना फैसला नहीं होगा। इस तरीके से ये गारंटी कर दिया गया कि अगर छोटा सूबा भी है कोई, तो कोई बड़ा सूबा या उसको बिल्डोज नहीं कर सकेगा, और उसकी गारंटी हो गई उसमें। और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जॉइंट सेशन ही इलेक्ट करेगा। और ये तय किया गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर जिस जोन से होगा तो हेड ऑफ द स्टेट उस जोन से नहीं होगा। तो इनमें नशिस्तों की हम मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट में नशिस्तों की जो तकसीम है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, कि जिसका हम तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला और बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट में जो नशिस्तों की तकसीम है वो इस अंदाज से थी, जैसा कि आप जानते हैं कि 350 नशिस्तें दोनों अपर हाउस की और लोअर हाउस की वो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में थी, 50 हाउस ऑफ यूनिट की, 300 जो है वो उसकी थी हाउस ऑफ पीपल की थी। तो इनमें से 300 में से हाउस ऑफ पीपल में 135 और ईस्ट पाकिस्तान 165, हाउस ऑफ यूनिट में ईस्ट पाकिस्तान 10 और वेस्ट पाकिस्तान 40, टोटल 50। और अगर हम को मिलाते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान 175 और ईस्ट पाकिस्तान 175, टोटल 350। वेस्ट पाकिस्तान में जो तकसीम थी उसमें हाउस ऑफ पीपल में पंजाब के पास 75, सिंध के पास 24 और NWRP मौजूदा KPK 24, सिंध जो है 20 थी, बलूचिस्तान और उसकी स्टेट्स जो हैं उनके पास 5, और इसी तरह कैपिटल 4 और बहावलपुर रियासत की 7 नशिस्तें थीं। हाउस ऑफ यूनिट में
ईस्ट पाकिस्तान 10, वेस्ट पाकिस्तान पंजाब 10 और NWFP 10, सिंध 10, उसके बाद बलूचिस्तान की और उसकी स्टेट्स की 3, कैपिटल की 3 और 4 बहावलपुर रियासत की। ये उसमें तफसील आप टेबल में देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ। तो इसी तरह हाउस ऑफ इसकी मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला में जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट में 60-60 नशस्तें हाउस ऑफ यूनिट में दोनों की थी और दो दो यानी टोटल 120, और हाउस ऑफ पीपल में 400 नशस्तें, 200 वेस्ट पाकिस्तान, 200 ईस्ट पाकिस्तान। तो जहां तक वेस्ट पाकिस्तान है उसमें लोअर हाउस में पंजाब की 90, NWFP की 42, सिंध 34 और बलूचिस्तान की जो हैं वो 10 और 11 नशस्तें कैपिटल फेडरेशन की थी और 13 नशस्तें जो हैं वो बहावलपुर की थी लोअर हाउस में। टोटल ये जो थी हम 200 नशस्तें थी वेस्ट पाकिस्तान के पास। इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान की जो हाउस ऑफ यूनिट में थी 27 पंजाब की थी, 11 जो हैं वो NWFP की थी, सिंध की 10 थी, बलूचिस्तान की 4 थी, कैपिटल एरिया की 4 थी और बहावलपुर की 4 थी। ये आप टेबल। तो इस तरीके से मोहम्मद अली बोगरा। इसके बाद हमारी चौथी प्रपोजल्स जो इसमें आई वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 16 सितंबर 1954 को एक प्रपोजल दी जिसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में अपना एक नुकता नज़र दिया। और तो इस तरह ड्राफ्ट कमेटी ने जो तकसीम की उसमें 66 एटम्स फेडरल के पास थे, 46 एटम जो हैं वो प्रोविंशियल के पास थे और इसमें जो कंकरेंट लिस्ट भी थी छोटी सी और रेजिड्यूरी पावर्स। कंकरेंट लिस्ट में 19 आइटम थे और इस तरह रेजिड्यूरी पावर्स जो थी वो हेड ऑफ द स्टेट को दे दी गई जिस तरह के 1935 के एक्ट में है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एंड दिस स्लाइड अबाउट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट फर्स्ट, Basic Principal Committee Report first, Basic Principal Committee Report 2, and this is Muhammad Ali Bogra formula, and this is distribution of seeds under the Muhammad Ali Bogra formula and Basic Principal Committee Report 2. थर्ड इशू जो अहम था वो जैसा लैंग्वेज का था तो लैंग्वेज उर्दू और बंगाली दोनों सजेस्ट की 1954 में और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको सजेस्ट किया गया हुकूमत के लिए। फेडरल और ये चीज़ें पहले तय हो चुकी थी। ये हमारी वो मुख्तलिफ अवकात में प्रपोजल्स हैं जो बयान की गई और इनकी बुनियाद पर 1956 में 23 मार्च 1956 को हमने दस्तूर दिया जिसका हम नेक्स्ट नशिस्त में बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।